उत्तर प्रदेश के बरेली में जिला कांग्रेस कमेटी की अति आवश्यक बैठक रामपुर गार्डन धनवंतरी चौराहा स्थित श्रेष्ठ IAS कोचिंग सेंटर में संपन्न हुई। बैठक में संगठन एवं डिजिटल सदस्यता अभियान एवं दिल्ली में होने वाले 13 तारीख के प्रोग्राम की रूपरेखा रणनीति पर चर्चा हुई। उसके बाद प्रेस वार्ता हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने की और संचालक जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश दत्ता ने किया। शहर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े ब्राह्मण नंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि डिजिटल में मेंबरशिप के माध्यम से अधिक लोगों को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। ये अभियान ब्लॉक स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक चलेगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी आगामी पंचायत चुनावों को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। हम जनता के बीच मुद्दों को लेकर जाएंगे। तमाम मुद्दे आज विकराल रूप ले चुके हैं। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ रही महंगाई, लगातार लघु उद्योगों का बंद होना, महिला सुरक्षा आदि मुद्दों को कांग्रेस पार्टी जनता के बीच लेकर जाएगी। भारत जोड़ो अभियान की घोषणा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उदयपुर चिंतन शिविर में की थी। उसके बाद हम लोग अभी उसकी वर्कशॉप कर चुके हैं और अब 2 अक्टूबर की तैयारी है, जिसमें कश्मीर से हम शुरू करेंगे से कन्याकुमारी तक एक यात्रा लेकर जाएंगे, जिसमें सभी कांग्रेस जन शामिल होंगे और देश के सभी लोग, जो लोग आज भारत में अपने को परेशान पाते हैं और भाजपा की नीतियों से अपने को दुखी पाते हैं, ऐसे लोग उसमें जुड़ेंगे और ये पूरी यात्रा भारत को जोड़ने के नाम पर होगी। नफरत के नाम पर जो तोड़ने की कोशिश हो रही है उसके देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।